हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7, 8 और 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया था। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद से आप लोग वेट कर रहे थे कि इसकी आंसर की कब तक आएगी। कल एक वीडियो डालकर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों की जो आंसर की है आज यानी 13 जुलाई को मॉर्निंग में 10 AM पर आ जाएगी। तो फाइनली ICAR की ओर से आप लोगों की आंसर की जारी की जा चुकी है। ये आंसर की का ऑफिशियल लिंक है जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो मैंने ओपन कर रखा है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी यूज़र ID भरनी है। सर, यूज़र ID हमें कहाँ से मिलेगी? तो यूज़र ID तो आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड पर भी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, यूज़र ID स्टार्ट होगी IARI से, तो वही यूज़र ID होगी। कभी आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर डालें तो वो नहीं भरना है। तो यूज़र ID तो आप लोगों को एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी। पासवर्ड आप लोगों का एडमिट कार्ड पर शायद नहीं होगा। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो पासवर्ड आप लोगों को मिलेगा आप लोगों का जो टेक्स्ट SMS होता है और ईमेल होती है जो भी आप लोगों ने इस फॉर्म में रजिस्टर की थी। तो अपने ईमेल ओपन करना या फिर टेक्स्ट SMS ओपन करना, वहाँ पर जा करके सर्च करिएगा IARI। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे तो जो भी आप लोगों का सबसे पुराना SMS होगा या सबसे पुरानी ईमेल होगी IARI से रिलेटेड, उसको ओपन करिएगा। उसमें आप लोगों की यूज़र ID एंड पासवर्ड दोनों मेंशन होंगे, तो वहाँ से आप लोगों को यूज़र ID एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग इस पर कैप्चा भरिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप लोगों को लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है, तो मैं इसमें कैप्चा डाल लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चा फिल कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक किया है। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपका फॉर्म लॉगिन हो चुका है। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन डिटेल, एडमिट कार्ड और हेल्प डेस्क। तो आप लोगों को जो क्लिक करना है वो करना आप लोगों को ऑब्जेक्शन फॉर्म वाले पर। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑल वाले पर क्लिक करिएगा तो ये आप लोगों का आ चुका है कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो रेस्पॉन्स की है वो यहाँ से खुलेगी। तो यहाँ से आप लोग क्लिक हेयर जो दिखेगा यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों की आंसर की है जो डाउनलोड हो चुकी है। तो ये आंसर की है आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की आंसर की डाउनलोड हो चुकी है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी आंसर की को डाउनलोड करिएगा और चेक करिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप लोगों की कौन सी शिफ्ट थी। ये दो चीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन सी आप लोगों की शिफ्ट थी। उसके बेस पर हम लोग देख पाएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो प्लीज़ अपने मार्क्स आप लोग बताइएगा कितने बन रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है तो वो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे मैं शाम को आप लोगों को बता दूंगा कि किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। तो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जिस पर भी आप लोगों को डाउट लगेगा। अगर आप लोगों को अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को कहाँ से लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। फ्यूचर में भी ICAR की ओर से कोई भी अगर अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।